ठीक कर रहा हूँ, कम कर थोड़ी। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? बतला रहे हैं इस जीव का बंधन किस प्रकार से सुदृढ़ हो जाता है। देहाशक्ति, विषय चिंतन और उन विषयों की पूर्ति के लिए प्रयत्न, कर्म करना। तो इस प्रकार से इसका बंधन क्या होता जाता है, दृढ़ होता चला जाता है। ये दृढ़ बद्ध हो जाता है। तो मुक्ति कैसे होगी है? इसके विपरीत कर्म से चलने पर क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। बंधन कैसे हुआ है? बंधन आपको बतलाया है कि जो चेतन है, मुक्त है, अपने स्वरूप को न जानने से अपने आप को जो बुद्धि आदि उपाधि है इनके साथ जोड़ देता है तो जीव कहलाता है। और जीव अनंत वासनाओं से युक्त होकर, संकल्प कामना से युक्त होकर देह आदि को प्राप्त करता है और इन देह में अहमता ममता कर लेता है। फिर इस देह को अहम मानता है तो देह के निमित्त विषयों का सेवन करने का राग, इसीलिए विषय चिंतन करता है, विषय प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। समझ आया? तो इस प्रकार से बंधता चला जाता है। जीव भाव कल बता ना, जैसे उतरा है इसके विपरीत क्रम से चढ़ना हो जाता है। उतरा कैसे है? अज्ञान हुआ, इसका अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इस कारण से अपने को बुद्धि आदि के साथ जोड़ लेता है तो जीव कहलाता है। जो चेतन है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, क्या है? जो ब्रह्म रूप है, जो परमात्मा रूप है, वो क्या बन गया? जीव बन गया। परमात्मा क्या बन गया? जीव बन गया। और फिर ये जीव जो है ये उसको खोज रहा है। कहाँ खोजता है? बाहर खोजता रहता है। कहाँ खोजता रहता है? कभी कहीं वृक्ष में, कहीं पानी में, कहीं पत्थर में, कहीं झाड़ में, कहीं गुफा में उसको खोजता रहता है। कौन? अब वो जो खोजने वाला है वही क्या है? वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। जब वासना युक्त है, कामना युक्त है, तब जीव है। और वासना कामना रहित तो हो गया तो क्या है? ब्रह्म है, परमात्मा ही। क्या है? परमात्मा ही। कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरे का मतलब है बुद्धि को कह रहे, जीव को कह रहे, और पास का मतलब जो तू है वही तो मैं हूं। जो तू है वही क्या है? वही मैं हूं। अर्थात ये जीव ही परमात्मा है। ये जीव ही क्या है? यही ब्रह्म है, यही चेतन है, यही नित्य सच्चिदानंद स्वरूप मुक्त है। तो ऐ
इसीलिए बुद्धि के साथ जोड़ लिया, वासना आसक्ति युक्त तो हो गया तो जीव कहलाया। फिर देह आदि में आसक्त तो हो गया, विषयों में आसक्त तो हो गया, पद पदार्थ प्रशंसा प्रसिद्धि प्रतिष्ठा यश कीर्ति और विविध प्रकार के नशा विविध प्रकार के विषय आदि में आसक्त तो हो गया। तो ये क्या है, यही इस निर्विकार नित्य मुक्त जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को ये बंधन है। उस ब्रह्म को क्या है, यही बंधन है। दूसरी बात, ये जो कुछ है किसमें, बुद्धि में, जो कुछ है किसमें, राग किसमें, बुद्धि में, सुख दुख किसमें, बुद्धि में, पाप पुण्य किसमें, बुद्धि में, धर्म अधर्म किसमें, बुद्धि में, कर्ता भोक्ता किसमें, बुद्धि में, सब कुछ बुद्धि में, ज्ञान अज्ञान किसमें, बुद्धि में। लेकिन बुद्धि में होते हुए उसके साथ एकाकार होने से वो मुझ में लग रहे, जैसे स्फटिक मणि क्या है, पारदर्शी, क्या है, स्वच्छ है, लेकिन वो रक्त पुष्पों के ऊपर रख दी, लाल पुष्पों के ऊपर रख दी तो स्फटिक क्या दिखाई देती है, लाल दी। तो स्फटिक लेकिन लाल है क्या, लाल नहीं है, लेकिन दिखती लाल है। इसी प्रकार से चेतन विकारी नहीं है, चेतन में वासना नहीं है, चेतन में बंधन नहीं है, चेतन में राग आदि नहीं है, सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि चेतन में नहीं है, जीवपना भी चेतन में नहीं है। ये सब का सब जो बुद्धि में है वो किस में भास रहा है, अपने में भासने लगता है अविवेक अज्ञान से। और ये अविवेक अज्ञान दूर हो जाए तो यह नित्य ही मुक्त है, नित्य ही ब्रह्म है, नित्य ही परमानंद स्वरूप है। तो इसी बात को बतला रहे हैं कि ये बंध गया है, क्या हो गया, बंध गया है किसमें, विविध वासनाओं के द्वारा, देहाशक्ति हुई प्रथम, फिर उसके पश्चात विविध वासनाएं विषय चिंतन, और फिर उन विषयों की प्राप्ति के लिए क्या, क्रिया, उन विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म, और इनके द्वारा ये बंधन जो है वो स्थूल होता जाता है, क्या होता जाता है, स्थूल, हाँ, और दृढ़ होता चला जाता है। आया तो था सुलझने, वो होता क्या है, उलझता ही गया। कह महाराज आए तो संसार में किस लिए, सुलझ जाए, लेकिन होता क्या है, विविध दृश्यों में उलझ गया, विविध ग्रंथों में उलझ जाता, तो कोई ग्रंथ कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अब वो ग्रंथ जो कहते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन वो वास्तविकता भी नहीं, वो सत्य भी नहीं है। अब कोई व्यक्ति है तो उसको हमने कहा आत्मचिंतन करो, वो नहीं कर पाता है, स्थूल बुद्धि है, वो कहता है जी मैंने तो जीवन पर्यंत, मान लीजिए वो बेचारा जो पशु चराता है, वो कहेगा जी मैंने तो पशु चराए हैं, मैं ब्रह्म चिंतन कर ही नहीं सकता, आत्मचिंतन कर ही नहीं सकता, हाँ, तो पशु चराए हैं कुछ और बताइए। तो उसको शुरू शुरू में कह दिया कि तू चल भैंस का ही चिंतन कर, बाकी सब चिंता चिंता चिंतन छोड़ के और अपने मन को भैंस में ही समाहित कर। तो क्या वो जो उपाय है मन को रोकने के लिए,
मन को संसार से हटाने के लिए, मन को संसार की वासनाओं से रहित करने के लिए, तो वो जो युक्ति बतलाई है, उपाय बतलाया है, वो सत्य हो गया क्या? इसका मतलब सबके सब भैंस का ध्यान करने लगे हैं। समझ आ रही है बात? तो वैसे ही ये तो भिन्न भिन्न साधकों के लिए युक्ति बतला देते हैं। जो स्थूल बुद्धि वाला है उसको स्थूल चीज पकड़ा देते हैं, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाती है उसको फिर कहेंगे कि भाई किसी संत की मूर्ति का ध्यान कर, संत के स्वरूप जो निर्मल है, विमल है, वासना रहित है, निष्काम है, संयमी है, तपस्वी है, जितेंद्रिय है, ऐसे जो संत है उन संत के स्वरूप का ध्यान कर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी सबके लिए नहीं हुआ, वो भी अंतिम नहीं, वो भी अंतिम नहीं। तो संत के स्वरूप का ध्यान वो भी किस लिए है? संसार से, विषयों से मन हटाने के लिए, मन को शांत और एकाग्र करने के लिए, और जो विषयों की वासना है उनको धीरे धीरे शिथिल करने के लिए। फिर और बुद्धि सूक्ष्म हुई है, सेवा आदि की, थोड़ा मन को एकाग्र किया, सूक्ष्म बुद्धि हुई, तो कहते हैं कि भाई अपने श्वासों का ध्यान कर। फिर क्या कह देंगे? श्वासों का ध्यान कर ले। इससे क्या होगा? इससे भी वही होगा, राग रहित तो होगा चित्त, वासना रहित तो होगा, चंचलता से रहित तो होगा, है? और क्या आता जाएगा? अंतर्मुखता आती जाएगी, धैर्य आता जाएगा, संतोष आता जाएगा, बुद्धि सूक्ष्म और मन शांत होता जाएगा। तो क्या श्वासों का ध्यान अंतिम हो गया क्या? उसके पश्चात कहते हैं कि जो मन है और जो संकल्प विकल्प विचार चल रहे हैं, है ना, इनको देखो। क्या करो? जो चित्त में, मन में चल रहा है विचार, विचारों का प्रवाह, उनको देखो, उनके साक्षी हो जाओ। उनके क्या हो जाओ? उनके साक्षी हो जाओ। उनके साक्षी होने से धीरे धीरे सबके सब विचार जो है वो क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। तो फिर जो है बोध मात्र, ज्ञान मात्र, साक्षी मात्र, चिन्ह मात्र, आत्मा दृष्टा ही शेष रहेगा, और यही आत्म प्राप्ति, यही परमात्म प्राप्ति, यही साहिब प्राप्ति। और यही साहिब है, यही क्या है? यही साहिब है, यही चेतन है। इस प्रकार से प्रक्रिया है, ये क्या है? विविध प्रक्रियाएं बतलाई गई है। तो खूंटे को पकड़ के मत बैठ जाना चाहिए, अपने को चेतन में प्रतिष्ठित होना है, अपने स्वरूप में विराजमान होना है। उसके पश्चात जगत में यथा योग्य शरीर निर्वाह के लिए, लोक शिक्षा, लोक उपकार के लिए, और जो जिज्ञासु लोग हैं, जो बंधन को अनुभव कर रहे हैं और बंधन से मुक्ति चाहते हैं, उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से अध्यात्म तो संसार को, जीवन को सरल करने वाली बात, सब कुछ सरल हो जाता है। क्यों? आशा अपेक्षा कुछ होती नहीं है, हाँ? कामना वासना कुछ होती नहीं है, और इसीलिए जीवन सरल, शांत, प्रसन्न, आनंद। नहीं तो व्यक्ति निरंतर कुछ न कुछ चाह रखता है, ऐसा हो गए, बारिश क्यों हो गई,
गर्मी क्यों हो गई, दिन क्यों हो गया, रात क्यों हो गई, रोग क्यों हो गया, मृत्यु क्यों हो गई, क्या इतने चिंता करने से, भय करने से ऐसा कुछ होगा नहीं, क्या होते रहेंगे। जिन चीजों में जो प्रकृति के शाश्वत नियम है उनमें क्यों टांग घुसाता है, उसमें क्यों अपने मन को घुसाता है। प्रकृति के शाश्वत नियम है कि जन्म मृत्यु है, संयोग तो वियोग है, युवा तो बुढ़ापा है, और स्वस्थ तो रोग है, और कर्म तो भोग है। तो ये क्या है, ये तो प्रकृति के अकाट्य सिद्धांत है, बने हुए हैं। हाँ, ये सब होता रहे और मैं इनसे मुक्त अविचलित रहूं, अचल रहूं, विक्षेप रहित रहूं, शांत और प्रसन्न रहूं, तो उसका तो जो उपाय है वो क्या है, वो आसक्ति का त्याग और वो ज्ञान ही, विवेक ही है, जड़ चेतन का विवेक, सार असार का विवेक, तो इसके द्वारा मुक्त हो जाता है जीवन मुक्त, जिसको बारंबार हम कहते हैं। और जीवन मुक्त अवस्था में विराजमान रहता, तो सबको जीवन मुक्त तो होना चाहिए, सबके सब हो सकते हैं, फिर झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब तक है, जब तक राग लोभ कपट स्वार्थ है तो झगड़ा है, और जब ये ना हो तब सबके सब वासनाओं से मुक्त है, स्वार्थ से मुक्त है, तो यहाँ पर क्या होगा, शांति ही शांति, प्रेम सहयोग, यही तो होगा है? तो सबके सब जीवन मुक्त हो गए तो इसमें कोई किसी प्रकार की संकोच या टकराव वाली स्थिति नहीं है, सब टकराव मिट जाएंगे। टकराव रहेगा नहीं, किससे टकरना, किस बात के लिए टकराना, तो जो टकराना है, टकरना है, भिड़ना लड़ना है, ये सब होगा, हाँ ये सब नहीं होगा। लेकिन अब तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करते हैं, हाँ पता नहीं कुछ वो चाहते हैं कि हम ही रहे, पर मर वो भी जाते हैं, है ना, वो भी चले गए, कहते थे हमारा देश ऐसा हो जाए, हैं हमारा परिवार ऐसा हो जाए, हमारा शरीर ऐसा हो जाए, हमारा घर ऐसा हो जाए, चले गए, चले गए। केवल क्या लेकर के गए, केवल जीवन भर मलिनता बढ़ा करके गए, जीवन भर राग द्वेष ईर्ष्या कपट अहंकार मोह लोभ काम क्रोध यही सब बढ़ा करके गए। यहाँ पर तो यों सर उठाते थे, अहंकार करते थे, अब वे महान घोर दुख में पड़े हुए, महान क्लेश भोग रहे हैं, महान बंधन में पड़े हुए हैं, तो उस रास्ते पर चलना हो, जो चलने वाले हैं, तो उनके लिए तो यही है कि दुखों की कभी न समाप्त होने वाली श्रृंखला में बंध जाते, कभी समाप्त न होने वाले बंधन, कभी न मिटने वाली ऐसे संकट रूप कुएं में वो लोग गिरते। तो आप तो समझदार हैं, मुक्ति चाहते हैं तो मुक्त हो जाओ, क्या हो जाओ, स्वार्थ से मुक्त हो जाओ, काम से मुक्त हो जाओ, क्रोध से मुक्त हो जाओ, लोभ से मुक्त हो जाओ। ए महाराज, हम तो आए थे मुक्ति पाने, आपने तो हमें ही काम बता दिया है, इतने काम से मुक्त हो जाओ, क्रोध से मुक्त हो जाओ, मोह से मुक्त हो जाओ, हैं
सोच रहे थे कि दूसरा कर देगा हमें, ये तो हमें ही करना पड़ेगा, क्या आप कर दो ना, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ जितना कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, उससे आगे किसको करना है, किसको करना है, स्वयं को करना है। लेकिन आपको किसी ने बहकाया हुआ है कि कोई और कर देगा, आपको बहका रखा है लोगों ने क्या कि हाँ वो करेगा, कोई करेगा, कौन करेगा, ईश्वर गुरु कोई करेगा, करेगा कोई, आश्चर्य कोई नहीं करेगा, क्या कोई नहीं करेगा, स्वयं करना होगा, क्या स्वयं करना होगा। और संत लोग जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, सार असार का निर्णय करा सकते हैं, समझा सकते हैं, सत असत बतला सकते हैं, बंधन के कारण आपको समझा सकते हैं, लेकिन उनसे बचना प्रकाश है, प्रकाश। अब प्रकाश होने के पश्चात भी कोई आंखें बंद करके चले, पत्थर से टकराए, ठोकर लगवाए, तो वो उसकी असावधानी, वो उसकी मूढ़ता है। तो वैसे ही संत लोग आपको ज्ञान का आलोक देते हैं, प्रकाश देते हैं। अब उसमें आंखें खोल के चलना, सावधानी पूर्वक चलना, वो किसका काम है, वो आपका। इसलिए आपको बदला दिया है कि आपका बंधन क्या है, समझ आया है ज्ञान, कि आपका बंधन है विषयाशक्ति, देहाशक्ति और उन विषयों की प्राप्ति पूर्ति के लिए निरंतर जो आप चिंतन करते हो, कामना करते हो, और उनकी पूर्ति के लिए जो आप प्रयत्न करते हो, कर्म करते हो, ये इसके द्वारा क्या होता रहता है, हाँ? इसके द्वारा आपका जो बंधन है वो हरा भरा होता रहता है, और आप निरंतर क्लेश को ही अनुभव करते हैं। तो समझ आया, देहाशक्ति, विषयाशक्ति, और इसलिए क्या करते हैं, विषयों की अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, वस्तु पाने के लिए, विषय पाने के लिए, पदार्थ पाने के लिए क्या करते हैं, कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं। इससे बंधन दृढ़ होता जाता है। समझ आ रही है या नहीं, हाँ हाँ, यही समझने की बात है, यही काम की बात, यही क्या है, यही काम की बात है। तो आगे भी आप लोग देख लीजिए, 315वां श्लोक जो चल रहा, चलने वाला है, उसको देखो। संसार बंद विचिथ्यै तद्वयं प्रदाहे यदि यदि वासना वृद्धिरेताभ्यां चिन्त्यया क्रियया महि। संसार बंध विच्छित्यै तद्वयं प्रदहेत् यदि वासना वृद्धि एताभ्यां चिंतया क्रियया बहिः। यति ही, जो यति, यति माने जो सन्यासी है, यति माने जो यतनशील है, यति किसको कहेंगे,
जो यतन करे, प्रयत्न करे, प्रयत्न करते हैं, सब प्रयत्न कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, सब प्रयत्न कर ही रहे हैं। चींटी भी कर रही है, हाथी भी कर रहा है, कछुआ भी कर रहा है, खरगोश भी कर रहा है, सबके सब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सब प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यहां पर उस प्रयत्न की बात नहीं है, और सबका प्रयत्न बताया भी था आपको सुख प्राप्ति के लिए। सबका प्रयत्न किसके लिए है, सुख लाभ के लिए। लेकिन बुद्धि में ऐसे संस्कार चींटी के भी बैठे, हाथी के भी बैठे और भी पशु पक्षी के बैठे हुए हैं कि सुख कहाँ मिलेगा, सुख बाहर मिलेगा। ऐसे संस्कार किसके बैठे हैं, आपके बैठे, किसके, और आप ही तो चींटी बन जाते हो, क्या बनते हो। ये जो जीव है मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म और उनकी वासना से ही ये कीट पतंग हाथी घोड़ा आदि विभिन्न योनियों में जाता है। समझ आ रही है बात, मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म उनके संस्कार उनकी वासना से ही ये जीव ऊंची नीची योनियों में आता जाता है, भटक। अब ये मनुष्य शरीर पाके ही इसको पाप में प्रवृत्ति हुई, इसीलिए पतन किया। और मनुष्य शरीर पाकर के क्या कर सकता है, अपने कर्म अपने विचार अपने आचरण को श्रेष्ठ बना करके मुक्ति की तरफ बढ़ सकता है, क्या कर सकता है, और केवल बढ़ नहीं सकता बल्कि मुक्ति को पा सकता है, और केवल पा नहीं सकता पा लेता है, क्या करता है, मुक्ति को पा लेता है। व्यक्ति विचित्र विचित्र भ्रम है, हम कहां मुक्ति को पा सकते हैं। सबसे पहले तो ये बुद्धि में बहुत अच्छे से बैठी हुई है बात कि हम संसारी जीव मुक्ति को नहीं पा सकते। तो अपने आप को असमर्थ, अपने आप को आलसी, अपने आप को कायर समझता है, इसलिए कायर तो है ही, क्योंकि जानता है कि महाराज काम चिंतन में नहीं छोड़ सकता, क्रोध में नहीं छोड़ सकता, धन का लोभ मैं नहीं छोड़ सकता, पद का लोभ प्रशंसा का लोभ मैं नहीं छोड़ सकता। पता है ना उसको, खुद का पता है, खुद का क्या है, दूसरे को पता है, किसको पता है, किसको पता है, स्वयं को पता है ना। तो इसका मतलब आपको पता है कि आपको प्रयत्न नहीं करना है, आपको पता है कि आप आलसी हो, आपको पता है कि आप कायर हो, आपको पता है आप पुरुषार्थी नहीं, आपको पता है कि आप काम नहीं छोड़ सकते, क्रोध नहीं छोड़ सकते, कपट नहीं छोड़ सकते, मोह नहीं छोड़ सकते, अहंकार नहीं छोड़ सकते, आपको पता है, कोई और छोड़ेगा, किसी और लोग पर लोग में जाके छोड़ोगे, केवल यही अवसर है। कहां अवसर है, केवल यही अवसर, केवल यही अवसर है, केवल यही अवसर है। तो ऐसे अनमोल मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अनमोल ऐसा सुंदर अवसर मिला है। लेकिन व्यक्ति बड़ा आश्चर्य है,
जो काम सर्वप्रथम करना चाहिए उस काम को सबसे अंतिम, जिस काम करने के लिए शरीर मिला है उस काम को सबसे बाद में, इस प्रकार की बुद्धि बनाए। जैसे किसी व्यक्ति ने टिकट कराया हुआ है, रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई है, वो बैठा हुआ है लेकिन सामान उसका बिखरा हुआ है, रेलगाड़ी चलने वाली है लेकिन उसने कोई तैयारी नहीं की, और फिर जब रेलगाड़ी चल पड़ती है तब क्या करता है, भाग दौड़ करके जल्दी सामान समेटता है, थैले उठाता है, दौड़ता है, लेकिन तब तक तो वैसा ही प्रयत्न व्यक्ति कर रहा है। जब करना चाहिए, जब समय है, उस रेलगाड़ी का तो पता है इतने समय पे जाएगी, लेकिन इस शरीर की रेलगाड़ी का पता नहीं है कब चली जाए, पता है ना, कब छूट जाए कुछ पता है नहीं पता है। लेकिन व्यक्ति ऐसे मोह कहो, प्रमाद की निद्रा कहो, ऐसा सोया देखो भाई, इस ज्ञान, इस विवेक, इस निश्चय से युक्त होकर फिर जगत का जो भी यथा योग्य कर्म व्यवहार है वो करो, लेकिन फिर आप दुखी नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, अपना कर्म करोगे, अपना कर्तव्य करोगे, अपना पुरुषार्थ करोगे, निरंतर निश्चिंत और प्रसन्न रहोगे। इस राम जी कहते हैं ना कि अज्ञानी होकर के जीना कोई जीना है क्या, अज्ञानी बन करके जीना, संसार में जियो तो ज्ञानी बन करके निवास, अंधेरा हो अंधेरे में जीना कैसा रहता है, रात्रि होती है पुस्तक पढ़ी जाती है, खाया पिया जाता है, भोजन आदि बनाया जाता है, स्नान आदि हो पाता है, आना जाना हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता अंधेरे, क्या चाहिए, चाहे मोमबत्ती का ही प्रकाश चाहिए, दीपक का चाहिए, हाँ बल्ब आदि का चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, कुछ भी करने के लिए भय से रहित होने के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। अंधेरे में कुछ भी करना, उठना बैठना चलना फिरना सबका सब क्या होता है, भययुक्त तो होता है, टकरा ना जाए, ठोकर ना लग जाए, सर ना फूट जाए, तो अंधेरे में जीना किसी भी प्रकार से सुखरूप नहीं है, वैसे अज्ञान में जीना, लेकिन एक आदत हो जाती है, क्या होती है, आदत हो जाती है ना, जो जीव अंधेरे में रहते हैं तो अंधेरे में रहने का ही क्या पड़ जाता है, अभ्यास बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, तो वैसे ही अज्ञान में जीने का क्या हो गया, अज्ञानी बनकर के रहने में दुख आप भोग रहे हो, तकलीफ भोग रहे हो, लेकिन फिर भी सहन कर रहे हो। अज्ञान अंधकार से मुक्त होना कि जो तीव्र तड़प होनी चाहिए वो चल रहा है, क्या कहते हैं कि कहना जी चल रहा है, क्या कहेंगे, चल रहा है। जब अज्ञान अंधकार आपको सहन नहीं होगा तब आप क्या चाहेंगे, प्रकाश में आना चाहिए, नहीं ज्ञान में आना चाहिए। राम कहता है 16 साल का लड़का है, कितने साल का,
16 साल। कहता है इतने दिन अज्ञान में जी लिया, अब अज्ञान में नहीं रहूंगा, नहीं जीऊंगा। 16 वर्ष की अबोध अवस्था, बाल्यावस्था, लेकिन इतना विवेक, इतना विचार संपन्न है। कहते 16 वर्ष तक अज्ञान में रह चुका, अब शेष जीवन को ज्ञान प्रकाश से युक्त होकर जीऊंगा। इसलिए 16 वर्ष की आयु में ही राम को बोध हो गया। क्या बोध हो गया? ये बोध हो गया कि ये हाथ पैर वाला जो शरीर है, जन्म मृत्यु वाला शरीर, ये शरीर मैं नहीं, मैं चेतन आत्मा, मैं ब्रह्म, ऐसा राम को बोध हो गया, निश्चय हो गया, अनुभूति हो गई। जो बोध होता है, निश्चय होता है, वही क्या होती है? वही अनुभूति होती है। लोग कहते हैं अनुभूति नहीं होती। निश्चय हो गया, चिंतन किया है, अभ्यास किया है, मनन किया है, श्रवण किया है, लेकिन जो मनन होना चाहिए वो, और क्यों नहीं मनन हुआ है? बाह्य आसक्ति के कारण से। बाहर की आसक्ति रहती है इसलिए चित्त चंचल रहता है, इसीलिए सुना हुआ बुद्धि में ठहरता नहीं, ठहरता भी है तो उसका मनन होता नहीं, थोड़ा बहुत मनन करता भी है तो निश्चय दृढ़ होता नहीं, जब निश्चय दृढ़ होता नहीं तो अनुभूति के लिए निश्चय चाहिए, निश्चय के लिए मनन चाहिए, मनन के लिए क्या चाहिए? बहिर्मुखता का, बाह्य विषय वस्तु का जो राग है, मोह है, वो उसका अभाव चाहिए। जब तक बाह्य है, चिंता चिंतन बनी हुई है, अब उधर हम देखेंगे तो साधारण सी बात है कि हम इधर यदि उधर देख रहे हैं, उधर की चिंता फिक्र चिंतन बना हुआ है तो यहां पर एकाग्र हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही चिंता, तो जो चिंता कर रहा है तो वो सुन थोड़े ही रहा है, या सुन भी रहा है तो ऊपर से सुन रहा है, अंदर से क्या बनी हुई है? चिंता बनी हुई है ना, कोई जूता ना पहन के चला जाए, कुछ भी चिंता। तो वैसे बाहर की चिंतन चिंता छोड़ के जब है तब अपना व्यवहार करता, जब जगत में है तब अपना कर्म करता, और उसके पश्चात फिर चिंतन में रहता है, उसकी आसक्ति से रहित रहता है, तो फिर किया हुआ श्रवण मनन रूप में परिणत होगा। किया हुआ मनन निधिध्यासन रूप बनेगा, किया हुआ निधिध्यासन निश्चय रूप बनेगा, और किया हुआ निश्चय आपकी अनुभूति हो। किया हुआ निश्चय क्या? ये संपूर्ण जगत के भूत भौतिक पदार्थ केवल शरीर निर्वाह के लिए है, इनमें लेश मात्र भी सुख सार नहीं है, ऐसा सुस्थिर बुद्धि में विवेक प्रथम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाह्य आसक्ति रहित हो गया ना, कि ये भी इन पदार्थों में कोई सार कोई सुख नहीं है, इसलिए आसक्ति नहीं है। तो सबसे पहले आसक्ति का त्याग, ममता का त्याग जो रोज बताई रहे हैं, और उसके पश्चात सत्संग श्रवण करके जो अहमता है देह आदि में, उसका भी त्याग हो जाने पर चिन्ह मात्र निर्विकारी अपना
आत्मा ही साक्षी रूप शेष है। अध्यात्म बहुत कठिन है, क्या अध्यात्म जो है लोग बहुत डरते हैं, डरते हैं ना। अब डरेंगे इतने मोटे मोटे ग्रंथ, इतने मोटे मोटे शास्त्र, इतने मोटे कहना अभी नाक मींचो, अभी आंख मींचो, अभी कहते हैं वो अनंत नाद सुनो, फिर क्या वो प्रकाश देखो, फिर क्या क्या वो करो, आदमी डर के भाग गया। कहने वो मूल चक्र में ध्यान करो, फिर स्वाधिष्ठान में करो, नाभि में करो, है सब क्या हो, ये सब हठ योग की साधनाएं। ये क्या है हठ योग की साधनाएं, केवल मन की एकाग्रता के लिए और उससे ज्यादा कुछ चमत्कार दिखाने के। क्या हो जाएंगे छोटी मोटी सिद्धियां हो जाती है, तो बस उन सिद्धि उन चमत्कार उन प्रसिद्धि में ही लुप्त रहता है। ये जो लोक वासना है ना, ये जो मान की चाह है ना, ये जो प्रशंसा और प्रसिद्धि, ऐसी ऐसी भावना रहते मर करके मेरा नाम रहे, तू देखने आएगा है, तू देखेगा क्या, तू उसका स्वाद चखेगा क्या, क्या नाम रहे, रहे ना रहे क्या है, नहीं मरने के बाद मेरी मूर्ति रहे, क्या रहे मूर्ति किसकी, पत्थर की मूर्ति किसकी, हाड़ मांस का ये पुतला। तो ऐसी ऐसी विचित्र बुद्धि में मूढ़ताएं रहती है, इनके लिए प्रयत्न करता है, जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए वो प्रयत्न करता नहीं। तो ये मान बड़ाई सहजता से नहीं छूटती है, इसीलिए चाहता है कि मैं सिद्ध हो जाऊं, सिद्धियां प्राप्त हो। हम लोग भी समझते थे चमत्कार सिद्धि ही क्या है परमात्म प्राप्ति मुक्ति है। हम लोगों ने भी जो कर सकते हो किया, कहने का भाव है कि जो कर सकते हैं वो किया, क्योंकि पढ़ते थे ऐसे ग्रंथ जिनमें सिद्धियां हैं, योग सूत्र आदि योग दर्शन, तो उनमें बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं कि भाई अष्ट सिद्धि नव निधि है प्राप्ति प्राकाम्य सिद्धित्व वसित्व आदि आठ प्रकार की सिद्धियां है ना, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य सिद्धित्व वसित्व आदि, ये जो आठ सिद्धियां हैं इनमें अच्छे अच्छे लुप्त हो जाते हैं लोभी, अच्छे अच्छे विवेक विचारवान इनके चंगुल से निकलना, छोटी सी बड़ाई छोटी सी प्रशंसा इससे नहीं निकल पाता है, इनसे ही नहीं निकल पाता है, निरंतर अहंकार के ऊपर पुष्प चढ़ाता है, क्या करता है अहंकार के ऊपर फूलमाला चढ़ाता है, अहंकार की क्या करता है पूजा करता है, है? ये सारी माला है किसको चढ़ाई जा रही है, ये सारी भेंट, ये सारी नमस्कार, ये सारे फूल, ये सारी माला किसको पहनाते हैं, अहंकार को पहनाते हैं, तो इसको नहीं छोड़ पाता है ना, इसीलिए धन की चाह करता है, विषय वस्तु पद प्रतिष्ठा की चाह करता है, इसीलिए सिद्धियां चाहता है। तो इनका बड़ा बोलबाला रहा है, कई कई वर्षों तक क्या करते थे ये कि भ्रकुटी में ध्यान करो, भंवर गुफा में ध्यान करो, तो ये सब क्या है, ये सब के सब कुछ भी नहीं है, ये सब के सब बालक को बहकाने वाली बात है। ज्ञान विवेक का आश्रय लेना चाहिए, तो अध्यात्म कठिन नहीं है, मनुष्य मात्र आध्यात्मिक हो सकता है, मनुष्य मात्र जीवन मुक्त हो सकता है, और मनुष्य मात्र जीवन मुक्त होगा तो यहां पर प्रेम ही होगा, सहयोग ही होगा, स्नेह ही होगा, झगड़ा होगा क्या, खींच तानी होगी क्या, राग द्वेष होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसे वातावरण में जीना सहज है ना, नहीं
क्रोध युक्त वातावरण में जीना सहज है या क्रोध रहित वातावरण में जीना सहज है? क्रोध रहित ना, मोह युक्त वातावरण में जीना सहज है या मोह रहित? अभी आप मोह रहित बैठे हैं, कैसे है? शांति है ना, आनंद है ना। और जब मोह होता है, ये बालक है मेरा, इसकी बड़ी चिंता है मेरे को, ये जीवन में कुछ कर भी पाएगा या नहीं, ये भूखा तो नहीं मरेगा, इसके लिए मैं क्या कर दूं, इसके लिए मकान बना दूं, इसके लिए गाड़ी ला दूं, इसके लिए कुछ आजीविका के साधन बना दूं, इसके लिए कुछ बैंक में अमानत रख दूं, तो हर समय क्या रहेगा, वही चिंता वही चिंता। अरे वो अपना प्रारब्ध लेके आया है, भूखे मरने का प्रारब्ध है तो भूखा मरेगा, तू कौन सा उसको खिला देगा, खिला देगा? बिना बात लोभ मेर मोह में कपट और पाप कर रहा है, होना माना कुछ नहीं, सबका अपना अपना कर्म है प्रारब्ध है। कई लोगों को हम देखते हैं, क्या महाराज पास में कुछ है नहीं, 60 वर्ष हो गए, इतने अच्छे आप पद पर रहे और कहाँ गया? कह जी क्या बताए, वो रोजगार किया था है और उसमें वो पैसे लगाए थे और सारे के सारे है? जो 20-30-50 लाख कमाए, अब सर्विस में वो सारे के सारे। अरे तू तो 60-40 साल नौकरी की, इतना तप किया, इतनी मेहनत की, तू खाली का खाली है, फिर वहीं से शुरू हो रहा है कि रोज कमाना और रोज, फिर आत्म कल्याण के लिए कब सोचेगा भाई? तो कहने का भाव है कि संग्रह किया हुआ एक क्षण में चला जाता, तो किसके चिंता चिंतन में लगा हुआ है? सबका अपना अपना प्रारब्ध है। बारंबार कहते हैं, अपने संतान को यदि कुछ देना है तो केवल शिक्षा और संस्कार, क्या दो, ढेला मत दो, खुद कमा, हाथ नहीं है तेरे, हाँ हाथ पैर ना हो तो फिर चिंता कर लेना, यदि हाथ पैर ना हो तो फिर तो भाई बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, हाथ पैर है ना, ठीक ठाक है, पागल हो तो तब भी थोड़ी चिंता कर लेना, लेकिन बुद्धि भी ठीक ठाक है तो कहना भाई मजदूरी कर, कमा और खा, और दूसरों की भी सेवा कर, दूसरों का भी सहयोग कर, और आत्म कल्याण के लिए ये देह मिली है इसलिए सत्संग कर, आसक्ति और अज्ञान से रहित होने के लिए सत्संग कर, और अपने ज्ञान पा करके अपने स्वरूप का तब मुक्त हो करके संसार में रहे। पिता भी मुक्त है और पुत्र भी मुक्त है और पौत्र भी मुक्त है, कोई समस्या? लोभ मोह स्वार्थ रहित है पिता, पुत्र भी काम क्रोध लोभ मोह रहित है, और पौत्र भी क्या है, विषयाशक्ति काम क्रोध लोभ आदि से रहित है, कोई समस्या है? सबके सब क्या रहेंगे, कितना स्वस्थ, कितना शांत, कितने प्रसन्न, कितने आनंद में रहेंगे? नहीं, सबके सब कितने किस में रहेंगे, कितने आनंद में रहेंगे? तो सबको मुक्त होना चाहिए, सबको। जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है और आप नशा नहीं करते तो आप क्या हो, नशे से मुक्त हो। अब वो जो नशा करता है वो सोचता है कि नशा किए बिना कैसे रहते हैं, और आप क्या सोचते हो कि ये नशा क्यों करते हैं? नहीं, आपको क्या लगता होगा, नशा करने वाला आप सोचते हो कि नशा क्यों करते हैं, कितने विचित्र लोग हैं, दुखी होते हैं, अपमानित तो होते हैं, है ना, और चोरी करते हैं, छिपते हैं, फिर भी नशा क्यों करते हैं, सोचते हो ना। और वो जो नशा करता है
वो सोचता है कि नशे के बिना तो मैं जी नहीं सकता, नशे के बिना तो जीवन ही नहीं है, नशा नहीं किया तो फिर कुछ किया ही नहीं। वो क्या सोच रहा है? वो ऐसा सोचता है, जब आप नशा मुक्त हो ना, शांत हो ना, नशे की आदत नहीं है तो कैसे हो आप? आनंद में हो, नहीं हो? और जिसको नशे की आदत है वो तो बेचैन रहेगा ना, कहाँ से लाऊं, उसके लिए धन भी चाहिए, उसके लिए छिपकने के लिए जगह भी चाहिए, हैं? अपमानित भी होता है, तिरस्कार होता है, बुद्धि बिल्कुल, बुद्धि और शरीर का और धन का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। तो आप नशा मुक्त है, तो वैसी काम का नशा, क्रोध का नशा, लोभ का नशा और मोह का नशा और अहंकार का नशा पता नहीं क्या? हाँ, बड़े होशियार हो आप लोग, पता तो है, पर चलाकी कर रहे हो, क्या बोल देंगे तो फिर महाराज जी कहीं मुक्त हो जाओ। बड़े चलाक लोग हो आप लोग। ये नशे है, किसका नशा? काम का नशा। किसका नशा? क्रोध का नशा। आगे लोभ का नशा, आगे मोह का नशा, आगे पता है इसको, मतलब आपको होशियारी कर रहे थे मेरे साथ। तो ये नशे आपने छोड़ दिए तो क्या हो गए? आपका चित्त निरंतर शांत और प्रसन्न, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? अब मुक्त है, अब आपके चित्त में पाप, आपके चित्त में कपट, आपके चित्त में ईर्ष्या, आपके चित्त में द्वेष आ ही नहीं सकते, आप मुक्त हो, इनसे मुक्त हो गए। उसके पश्चात जिस मुक्ति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो ना, वो तो बच्चों का खेल रहे थे। यदि आप इन पांच शत्रुओं से मुक्त हो गए तो उसके पश्चात अज्ञान से मुक्त होना है। अज्ञान से मुक्त केवल अपने स्वरूप का ज्ञान, वो तो क्षण भर में पता लग जाएगा कि ये देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि ये सब जड़ है। ऐसी जो निर्मल बुद्धि है ना, उसके लिए विवेक कर पाना बहुत सहज है। और मैं चेतन, मैं साक्षी, निर्मल विमल शांत कामना वासना रहित बुद्धि के लिए आत्मा अनात्मा का, जड़ चेतन का विवेक कर पाना बहुत सहज है। लेकिन जो बुद्धि मलिन है, मंद है, वासना वासित है, राग आसक्ति युक्त है, ऐसी बुद्धि के लिए 100 वर्ष तक सत्संग सुनते सुनते भी विवेक कर पाना संभव नहीं। राग आसक्ति रहित बुद्धि के लिए विवेक कर पाना सरल काम है, सहज काम। समय देख रहा हूं, आगे भी हो, आगे भी तो रखने वाले हैं हमारे सामने माइक, एक जगह और जाना है सत्संग के लिए। हाँ, तो उसके लिए विवेक कर पाना, राग रहित, मोह रहित, काम रहित, क्रोध रहित बुद्धि के लिए विवेक कर पाना स्पष्ट है। जिसको कम दिखता है या नहीं दिखता है, उसको दाल और चावल मिले हुए हैं, उनको अलग कर पाना असंभव या कठिन है। जिसको नहीं दिखता है उसके लिए असंभव है, जिसको कम दिखता है उसके लिए कठिन है, लेकिन जिसको ठीक दिखता है उसके लिए। वैसे ही जिसकी बुद्धि राग रहित है, स्वार्थ मोह काम क्रोध रहित है, ऐसी बुद्धि के लिए जड़ चेतन का विवेक कर पाना कठिन है, सरल है। क्षण भर में हो जाता है कि ये सब जड़ है, और जो चेतन है, साक्षी बोध मात्र, वो अलग है, वो मैं, वो स
सबके सब ज्ञान से युक्त होकर मुक्त होकर के जगत में रहे, लेकिन व्यक्ति बहुत क्रिया कांड करता है, कर्म कांड करता है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ किए महाराज। 40 वर्ष हो गए करते हुए, 60 वर्ष हो गए करते हुए, क्या करते हुए है? झाड़ू लगा रहे थे, वो भी ठीक से नहीं लगी। क्या लगा रहे थे? ये जितने भी सत्कर्म है केवल मन को निर्मल करने के लिए, वो भी ठीक से नहीं लगती। झाड़ू लगा रहे कितने साल हो गए, कुछ नाम जप रहे, कुछ ग्रंथ का पाठ कर रहे, कुछ मन को एकाग्र कर रहे हैं, कुछ स्नान आदि कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये सब के सब क्या है? झाड़ू लगाना। क्या है? झाड़ू लगा रहे थे, वो भी ठीक से लगती कहाँ है लोग। कई बार ये आश्रम वाले कहते हैं, नहीं कभी मैं इनको दिखाता हूँ कि झाड़ू ऐसे लगते हैं, तो मैं आपस में कहते हैं कि हाँ भाई महाराज जी का तो झाड़ू लगाना भी हमारे पोछे लगाने के बराबर है। तो एक आदत होती है कि ठीक से करना है, कुछ करना है तो फिर ठीक से करना है, अच्छे से करना है। वो एक आदत रही हमारी खराब, हमारी बड़ी खराब आदतें रही हैं कि जो कुछ करना है वो विशिष्ट करना है, श्रेष्ठ करना है, उत्कृष्ट करना है, सर्वोत्तम करना है, अद्भुत करना है, विलक्षण करना है, अद्वितीय करना है। एक आदत रही थी, छोड़ दी, सब छोड़ दी। खराब आदत क्यों रखनी है? संसार में क्या है ये सब करके? लेकिन अच्छा वो एक जगह पहुंच के छोड़ना ठीक है, पहले छोड़ना गलत है ना। पहले तो होनी चाहिए, पहले क्या होनी चाहिए, होना चाहिए, और बाद में सब छोड़ना चाहिए। मलिनता को मिटाने के लिए सात्विकता होनी चाहिए, और बाद में सात्विकता भी छूट जाती है, मतलब छूट जाती है। समझ आ रही है बात? 3 गुण बताया ना, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण को मिटाने के लिए रजोगुण और सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, फिर रजोगुण को मिटाने के लिए सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, और सत्वगुण से भी ऊपर उठ करके विशुद्ध सत्व रूप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तमोगुण का काम क्या है? आलस्य, प्रमाद, क्रोध, विकार, ये क्या है? तमोगुण है। रजोगुण क्या है? प्रवृत्ति। रजोगुण क्या है? निरंतर कर्म, निरंतर लोभ, निरंतर वस्तु पद आदि की प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्ति है वो क्या हुई? वो राजसिक गुण का कर्म कार्य। सात्विक का क्या है? सेवा करना, पूजा करना, पाठ करना, जप करना, ध्यान करना, ये क्या है? सात्विक है। लेकिन ये ही अंतिम हो गया? नहीं, इससे भी ऊपर उठना होता है। इससे ऊपर क्या है? इससे ऊपर है सत्संग के द्वारा। क्या? सत्संग के द्वारा जो सत्य सार आत्म तत्व है उसका ज्ञान प्राप्त करके उसमें ठहर जाना, टिक जाना, ये सत्वगुण से भी क्या है? परे है। ये क्या है? सत्वगुण से परे है। इसलिए श्री कृष्ण महाराज भी अर्जुन को कहते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद है ये त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम रूप है। निस्त्रैगुण्यो भव, तू तीनों गुणों से परे हो जा, जिसको गुणातीत बोलते हैं, त्रिगुणातीत बोलते हैं, जिसको अवधूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवधूत बोलते हैं। तीनों गुणों से परे हो गए, गुणातीत हो गए, अर्थात अपनी आत्मा में
विराजमान है, अपनी आत्म अनुभूति से संयुक्त है। ज्ञान का, अनुभूति का, विवेक का दीपक हृदय में निरंतर प्रज्वलित है तो मुक्त है। तो इसलिए तमोगुण से मुक्त हो, प्रथम पहले क्या करो, सारे विकार आलस्य प्रमाद काम क्रोध आदि से मुक्त हो जाओ। ये क्या है, तमोगुण। फिर रजोगुण, इसमें क्या है, स्वार्थ। रजोगुण में क्या है, स्वार्थ, लोभ, उस वस्तुओं की, पद आदि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, रजोगुण है, इससे भी रहित हो जाओ। फिर सत्वगुण है, सत्वगुण में सेवा है, सत्वगुण में परोपकार है। रजोगुण में देखो, तमोगुण में मान लो, मान लीजिए गंदा खान पान, सत्वगुण में मान लीजिए स्वादिष्ट भोजन खाना। ये किसमें, रजोगुण, गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हाँ मैं कई बार ऐसे हो जाता है। तमोगुण में क्या बताया, मलिन खान पान होना, ये क्या है, गंदा खाना है, मीट मांस आदि, ये क्या है, तमोगुण है। और गुलाब जामुन खाना, जलेबी खाना है, दूध आदि, फल आदि खाना, ये क्या हुआ, रजोगुण हुआ। और दूसरों को खिलाना, ये क्या हुआ, समझ आ गई बात, नहीं समझ आए, कोशिश करता हूँ समझ में आ जाए। ये सत्व गुण है, लेकिन क्या है, सेवा करना बहुत अच्छी बात है, पहला कदम है ये मुक्ति के लिए। सेवा करना, परोपकार करना, दुखी, वृद्ध, दीन, असहाय, जो भी स्वार्थ रहित होकर के किया जाए, ये सेवा अध्यात्म की तरफ, मुक्ति की तरफ क्या है, पहला कदम है, सबसे पहला कदम है। स्वार्थ से निकलना है ना, मोह से निकलना है ना, लोभ से निकलना है ना, सेवा करो। अहंकार से निकलना है ना, तो सेवा करो। क्या करो, अब जहां स्वार्थ हो दौड़ पड़ेगा, और जहां स्वार्थ ना हो वहां पर चलते ही नहीं, कदम ही नहीं चलते। अब वो क्या मुक्ति पाएगा, क्या मुक्ति पाएगा वो है? वो जीव भाव से मुक्ति चाह रहा है, अरे अभी स्वार्थ से तो मुक्त हो नहीं पाया, लोभ से तो मुक्त हो नहीं पाया, मोह से मुक्त हो नहीं पाया, जीव भाव से मुक्त हो जाएगा क्या? आश्चर्य की बातें, बड़े बड़े विचित्र किसके सत्संग सुन रहा हूं, सत्संग तो सुन रहा है पर स्वार्थ गलित हो गया क्या तेरा है? मोह की बात हो तो ऐसे दौड़ेगा ना, घुटनों में दर्द ना कहीं दर्द, और कहीं जहां स्वार्थ की बात ना हो कह जी मेरे तो घुटनों में दर्द है। हाँ हम कहते अच्छी बात, कोई बात नहीं बैठ जा। तो ये चीज है, तो सेवा क्या है, वो जो सात्विकता है, तो अध्यात्म की तरफ, मुक्ति की तरफ पहला कदम मान के। तो हम ये कह रहे हैं कि सत्व गुण से भी परे विशुद्ध सत्व रूप जो अपनी आत्मा है, उसमें विराजमान होना, वह इस जीव का लक्ष्य है। वो क्या है, इस जीव का लक्ष्य है, तो वही मुक्त होकर के आपको रहना चाहिए। नशे से मुक्त हो जाओ, विषयों से मुक्त हो जाओ, उन विषयों की वासना से मुक्त हो जाओ, और जीव भाव से मुक्त हो जाओ, तो आप मुक्त ही, आप क्या हो, मुक्त हो। फिर मुक्त होकर के रहो संसार में, क्या रहोगे, कैसे क्या रहोगे, मुक्त होकर के। संत लोग, महात्मा लोग पुरुषार्थ करके निरंतर चिंतन, विवेक, विचार, परायण होते हुए समस्त वासनाओं से मुक्त होकर के, देहाशक्ति जीव भाव से मुक्त होकर के,
आत्म भाव में विराजमान रहते हैं। किसमें विराजमान रहते हैं? परमात्म रूप होकर के विराजमान रहते हैं, मुक्त रूप होकर के विराजमान रहते हैं। कोई कामना, कोई वासना, कोई स्वार्थ, कोई लोभ उनके चित्त को स्पर्श भी नहीं कर पाता। क्या? उनके चित्त को स्पर्श भी नहीं कर पाता, मुक्त भाव में रहते हैं। और ऐसे जो मुक्त है वही दूसरों को मुक्ति का रास्ता, मुक्ति ही क्या करेगा, मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। जो स्वयं बंधन में है वो मुक्ति का रास्ता दिखा पाएगा क्या? काम क्रोध आदियों के बंधन, विविध वासनाओं के बंधन, विविध आसक्तियों के बंधन, द्वेष ईर्ष्या बनी हुई है हृदय में, क्रोध की, द्वेष की, कपट की अग्नि प्रज्वलित है। जिसके खुद के घर में आग लगी हुई है वो दूसरों के घर की आग बुझा पाएगा क्या? खुद के घर में द्वेष, ईर्ष्या, कपट, डाह, मत्सर भरे हुए, खुद के घर में भट्टी जल रही है, आग लगी हुई है खुद के हृदय में, तो दूसरों के हृदय में शांति दे पाएगा क्या? और संत केवल वाणी से उपदेश नहीं देते, संत अपने आचरण से उपदेश देते। किससे उपदेश देते? पहले आचरण से।